मर्डर के वो तैयार होंगे फाइट लेने, लेकिन आम जिनको वहां पर डाउन किया जाएगा सिड इनके द्वारा, टी आई यहां पर, टी वन यहां पर फाइट लेने के लिए पूरी पूरी तैयार है कि सीजीपी पीछे है, मिसाइल आगे आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली किल्स को कैपिटलाइज करना चाहेंगे, लेकिन गॉड आर्ट अभी के लिए बचे हुए हैं और गॉड आर्ट आई गेस मिसाइल को स्पॉट जरूर कर लेंगे, बी टेकिंग डाउन अगर वो कर पाए, बट मार्टिन का ग्रेनेड अगर जाता है वो मिसाइल को लेकर जा सकता है, बट देन गॉड आर्ट ने उजी का काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और अब मार्टिन जाएंगे आम जोन को रिवाइव करने के लिए, थोड़ा सा आगे जा चुका है उनको, स्टेडियम की लोकेशन भी पता चल चुकी है, बट एक रिवाइवल चाहिए वहां पर आम जोन को। बिल्कुल, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दियो कि दोनों प्लेयर, दोनों टीम का एक एक प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन है, दैट मींस यहाँ पे एक प्लेयर रिवाइव देने के लिए बैठेगा दोनों टीम के लिए। अब दो डुओ वर्सेस डुओ मैं बोलूंगा इस वाली फाइट को, यहाँ पे एक वो एक अप्रोच हो चुका है जहाँ पे जेसी सेड वो ट्राई कर रहा है इस वाले कंपाउंड के अंदर जाकर, एंड उसके साथ यहाँ पे गुडार्ड देखते किस तरीके वाली फाइट निकाले, बट यहाँ पे एस12 के साथ जरूर वापस से वो एक शॉटगन, वो 12 गॉज जो यहाँ पे बहुत कम यूज करते हुए देखते हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग मैचेस हम लोग देखने को मिला, बिकॉज जिस तरीके से लक्सी ने वहाँ पे वो जो डीपीएस वाला जो एक मेटा फाइनल सर्कल में निकाला वो वापस से हम देखते हैं कौन सा प्लेयर आगे फॉरवर्ड करेगा, बट यहाँ पे मार्टिन जरूर रेडी है क्वालिफाइड कर, बट यहाँ पे S12K का यहाँ पे शॉट कनेक्ट जरूर करते हैं, JCZ वहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे, यहाँ पे सेड वापस से जाएंगे, ओके इज वन एचपी एंड ही नॉक्ड अनदर गाय, अब ये वाली फाइट यहाँ पे VL के प्लेयर से बहुत ज्यादा दूर जाती है, बट यहाँ पे टीम 1 के भी प्लेयर्स नॉकडाउन है, दैट मींस सेड एक इकलौता ऐसा प्लेयर है जो ये फाइट लेगा मार्टिन के अगेंस्ट। आई थिंक हम नया मेटा देख रहे हैं शॉटगन का और बहुत बेहतरीन दिख रहा है, यहाँ पर एक और शॉटगन के शॉट थोड़े से यहाँ पर शॉट किए गए थे, बट अब तीन बुलेट्स बचे उनको रीलोड करना पड़ेगा और प्लेयर्स धीरे धीरे आ ही रहे हैं रीलोडिंग वहां पर करते हुए, लेकिन आमजुन खेल काफी ज्यादा कम है, सेड वापस नीचे आ चुके हैं, एक और प्लेयर को लेकर जा सकते हैं, आई थिंक ही इज रेडी टू स्पॉट द प्लेयर्स, AKM वर्सेस शॉटगन और अभी तक तो शॉटगन ही भारी पड़ रही है प्लेयर्स के ऊपर और सेड तैयार है स्पॉट करने के लिए, टीवीवी का काफी अच्छे तरीके से योगदान यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे, दो प्लेयर्स को डाउन किया जरूर है, बट बिल्कुल सामने मार्टिन के और मार्टिन यहाँ पर स्पॉट करके शॉट लेने की कोशिश, बट एक भी शॉट दोनों साइड से कनेक्ट नहीं हुआ है और सेडन के पास आई गेस आखिरी के चार बुलेट बचे हैं, बिकॉज वो वापस ही रीलोड नहीं करे तो इन चार बुलेट्स में उनको चार प्लेयर्स को कुछ भी करके टेक डाउन करना, नाउ ही इज रीलोडिंग, ऑब्वियसली वहां पर एक्स्ट्रा बुलेट्स यहां पर अब काम आएंगे, लेकिन इनके पास हेलमेट नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने जो प्लेयर्स को डाउन किया काबिले तारीफ रहा है, लेकिन अब अंदर की तरफ जा चुके हैं, एक और प्लेयर को स्पॉट करेंगे, टेक हिम डाउन, शॉटगन ओपी और प्लेयर्स टेक हिम डाउन, ओ माय गॉड, फाइनल प्लेयर कैन डू अ शॉटगन क्लच, नो हैज टू स्विच द गन, बट ओ माय गॉड दैट वाज ऑलमोस्ट देयर। आपने एक चीज देखी कि यहां पे वो उन्होंने एक बुलेट वहां पे डाली थी, T70, लुक एट दिस, यू डू गैंग के प्लेयर्स वो तैयार है, लेकिन उनके मुश्किलें ज्यादा बढ़ा चुकी हैं यहां पर, T70 के प्लेयर्स जी गॉड पीछे से आ रहे हैं, क्लच गॉड ने वहां पर मैन करने को फिनिश किया पूरा, अपने किल सिक्योर करते हैं और क्लच गॉड अब आगे फाइट्स बनाना चाहेंगे, जॉनथन गेल थोड़ी सी कम है, बट क्लच गॉड दी IGL लीडिंग विद द एग्जांपल, वो चीज क्लच गॉड काफी बेहतरीन तरीके से कर रहा है, जंपर थोड़ा सा पीछे आ चुका है, अपनी टीम से थोड़ा सा दूर है, लेकिन उन्होंने जॉनथन को स्पॉट कर लिया, टेक हिम डाउन, वन प्लेयर हैज बीन टेकन डाउन, बट जंपर बहुत ओपन में है, ये उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है, जी गॉड आगे आ रहे हैं, जॉनथन को रिवाइवल चाहिए होगा, नियो भी स्पॉट कर चुके हैं प्लेयर्स को, नियो टेक डाउन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वहां पर टेक डाउन होता, बट अब यूडो गैंग के प्लेयर्स हल्का सा पीछे जाते हैं और सर्कल एक नई डायरेक्शन को अभी के लिए अपना घर बनाएगा। बिल्कुल, अप्रोच यहाँ पे सारी टीम्स की यही है कि सर्कल का एक अच्छा पार्ट ले, बट यहाँ पे सर्कल किसी की नहीं सुन रहा है, सर्कल जाता है जॉर्जपोल के नॉर्दर्न साइड पर काफी अच्छे तरीके से, उससे RRQ जो सेंट्रल एरिया में है सर्कल के उनको बस होल्ड करना है, एंड RRQ कैन इमर्ज एज अ चैंपियन, एंड स्नैक्स की डीपी यहाँ पर बोल रही है बॉक्स के लोकी को लेकर जाते हुए, काफी बेहतरीन तरीके से स्नैक्स यहाँ पर फाइट्स ले रहे हैं। बिल्कुल, एंड फाइट की अगर हम लोग बात करें सदन साइड में बहुत होने वाली थी, एंड यहाँ पे उसके चलते यहाँ पे जी गॉड को यहाँ पे नॉकडाउन करा जाएगा, बट बॉक्स के जो लुइस है वो स्प्रे डालेंगे जरूर आतंकी के ऊपर, बट वो यहाँ से फॉल बैक कर जाएंगे, बट यहाँ पे TSM/NTT जी गॉड को गॉडलेस ने पूरा फिनिश करा, बट अब जोन की हम लोग बात करें ब्रिज से जो RRQ का स्क्वाड क्रॉस कर, ब्रिज पे कोई टीम नहीं है अब, दे हैव लेकिन बॉक्स के ब्रेक ने RRQ के G9 को यहाँ पर डाउन कर लिया है, एंड देखते हैं आगे और क्या फाइट्स बनती है। खैर बिल्कुल, बट अभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन में यहाँ पे बॉक्स ई स्पोर्ट्स का जो स्क्वाड है वो लोग वेट जरूर करेंगे, बट यहाँ पे पीछे से मावी के पास एक एंगल था वहाँ पे दिक्कत देने का, एंड वहाँ पे वो ट्राई जरूर कर, बट यहाँ पे RRQ स्टेजेस चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ से सिर्फ ग्रुप्स डिसाइड होने वाले हैं, एंड उसके चलते यहाँ पे जो टीम IND 3-man स्क्वाड खेल रही है एंड जो ऑरेंज रॉक 3-man स्क्वाड खेल रही है उन लोगों को ज़्यादा लॉस होगा नहीं, लाइक बेसिकली लॉस हुआ ही नहीं किसी चीज़ का, बिकॉज यहाँ से सिर्फ ग्रुप्स डिसाइड होने वाले हैं, एंड जब एक्चुअली पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग 2020 अर्नी ने अपने लिए किल काफी बेहतरीन तरीके से निकाला काफी दूर से, एंड स्टिल स्पॉटिंग पावर वॉज रियली गुड, लेकिन सर्कल अभी भी ऊपर के एरियाज पर जा रहा है, D2E डाउन हो चुके हैं हस्तर के द्वारा। बिल्कुल, एंड उसके चलते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन में ऑरेंज रॉक स्काउट हो भी जितना भी यहाँ पे उनके पास यू कैन से जितना भी मैन पावर है उसका यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए यही होती है एक बड़े प्लेयर्स, वो लोग भी अभी ट्राई कर रहे हैं कि ये जो किल एक सामने से और आ रहा है यहाँ पे प्रमेय के नाम का, वो देखते हैं वो किल निकाल पाते हैं, बिकॉज बॉक्स के प्लेयर्स जरूर धीरे धीरे करके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑलरेडी उन्होंने एक अपना प्लेयर गेट कीप का जो एक रोल होता है अब वो उस वाले मैच में यहाँ पे बॉक्स ई-स्पोर्ट वर्सेस T90 स्नैक्स हो सकता है। अब देखते हैं किस तरीके से T90 स्नैक्स अगर DP28 हुई तो फर्स्ट और वहाँ पे मैगजीन एक लंबी मैगजीन होती है, अगर आपके पास अच्छी खासी बुलेट वो 30 वाली मैगजीन नहीं होती है, तो उसके चलते आपके पास दो
प्लेयर है, तीन प्लेयर इकट्ठे नॉक करने का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे उसके चलते लुइस को यहाँ पे अच्छा खासा एचपी यहाँ पे टॉक करता, बट यहाँ पे स्नैक्स अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट होता नजर आया। लाइक हस्तर बिल्कुल सामने उनको स्पॉट किया गया, हल्की से डैमेज उनको मिला था, स्मोकी को ग्रेनेड का डैमेज आया, वैम्पायर के पास भी ग्रेनेड आया था, लेकिन ग्रेनेड की बात करें तो पफर ने ग्रेनेड से वायरलेस द मर्डर के प्लेयर को डाउन किया, लेकिन अल्ट्रॉन आते हैं स्मोकी को डाउन करते हैं, जोनाथन वैम्पायर को डाउन कर रहे हैं। TS-70 फाइट्स के अंदर काफी बेहतरीन तरीके से आ रही है, लेकिन वैम्पायर का किल यहाँ पर अल्ट्रॉन अपने हाथ रॉक्स अपने हाथ में ले जाएंगे, डाउन जरूर करने की कोशिश करती है, किया भी काफी अच्छे तरीके से। RRQ तीन प्लेयर्स तैयार है, D2 आगे जा रहे हैं धीरे धीरे, बियर 11 और अर्नी भी धीरे धीरे मूव इन करेंगे। यूडू गैंग के प्लेयर्स हमारी स्क्रीन के ऊपर है, वो भी हम देख सकते हैं फाइट्स हो रही है, बट फाइट्स पीछे TS-70 भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर रॉक्स ने स्पॉट जरूर किया प्लेयर्स को, बट उनके सामने प्लेयर्स आ चुके हैं। रॉक्स 1 HP इज स्टिल सर्वाइविंग, उसी के ऊपर स्विच इन किया है और रिलोड करना चाहेंगे, बट सामने जो प्लेयर्स आएंगे उनके लिए मुश्किल और हो सकती है, अभी लेट चुके हैं, बट बाकी प्लेयर्स को उन्होंने कॉल दे दिया होगा नीचे आने का। बिल्कुल बट उसके चलते यहाँ पे कॉल के चलते यहाँ पे RRQ का बियर 11 नॉक डाउन है, पूरा RRQ यहाँ पे वाइप करेंगे। यहाँ पे टीम सेल्स जो कि लास्ट टाइम की हमारी PMWL की साउथ एशिया की चैंपियंस है, एंड अभी यहाँ पे ट्रैक्स 11 को यहाँ पे ग्रेनेड के चलते यहाँ पे नॉक डाउन करेंगे, एंड वो भी ग्रेनेड कहाँ से आया था, अक्रॉस द रोड साइड, एंड ये ग्रेनेड बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज अगर आप TVP लोगे तो अपने आपको लाइक स्पॉट करा देगा ओपोनेंट को, उनके पास गन्स है, एंड एक्चुअली वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके वो आई थिंक सेकंड टियर से वहां से उन्होंने वो ग्रेनेड थ्रो करा था, MJ का ग्रेनेड, बाकी चारों प्लेयर्स, ये दिखाता है टीम कोऑर्डिनेशन। बट फ्रिडॉल देखते हैं यहाँ पे ऑपोजिट साइड वाले रोड पे, बट यहाँ पे दो किल्स फ्री मिलेंगे, बट यूडू के जो यहाँ पे फ्रेडो है वो देखते हैं किस तरीके वाली फाइट निकाले, बिकॉज प्रोन डाउन है, बट नीचे जो प्लेयर स्टेयर्स आएगा उनका हेड दिख जाएगा, बट यहाँ पे नो गॉड लाइक के जो स्मोकी ओपी थे उनको भी नॉक डाउन करेंगे, पूरा फिनिश करेंगे उस ग्रीन टी और किल्स निकालना चाहिए, लेकिन नियो को पिक ऑफ किया है जी ने, और रॉक्स ने वहां पर नोवा गॉड लाइक के हस्तर को पिक ऑफ किया, और इसके साथ नोवा गॉड लाइक का एलिमिनेशन होता है। 60 टीमें और 19 लोग बचते हैं, TS-70 का भी एलिमिनेशन यहां पर होता हुआ हमने देखा है। वायरलेस के प्लेयर्स बहुत बेहतरीन गेम प्लेस निकाल रहे हैं, लेकिन सो इज गैलेक्सी रेसर्स सेल्स, एक बहुत डोमिनेटिंग चीज यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन हैंकन का ग्रेनेड यहां पर यू लेवल अप के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और हुआजुआन की हेल्थ बहुत कम हो गई उस ग्रेनेड से। बिल्कुल, एंड यहां पे ग्रेनेड्स का बहुत अच्छी तरीके से यहां पे टीम्स यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बिकॉज जहां पे कंपाउंड्स हैं वहां पे यू कैन थ्रो ग्रेनेड, एंड वहां पे डैमेज वो जितना आप ग्रेनेड पे हो यहां पे पड़ते हैं, उसी के चलते एक और नॉक यहां पे देखने को मिला है। यू लेवल अप गेमिंग का जो यहां पे स्क्वाड है वो लोग दिक्कत में आएंगे, बिकॉज रिवाइवल देंगे उस कंपाउंड के अंदर, यहां पे प्लेयर्स को पता है कि उस कंपाउंड के अंदर दैट मींस आप हर जगह थ्रोएबल्स फेंक सकते हो, दैट मींस एक छोटे कंपाउंड में मल्टीपल ग्रेनेड्स एंड टीम स्क्वाड वाइप। मैं काफी प्रभावित हूं इन टीम्स की परफॉर्मेशन कितना आगे आ चुका है। मीनवाइल यहां पर अल्ट्रॉन के लिए मुश्किल हो सकती है, ओपन में पिक ऑफ हुए गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स अब धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं, रॉक्स बचे हैं और MJ बचे हैं, इन प्लेयर्स को फाइट लेनी पड़ेगी। 11 किल्स हैं इस टीम के पास, लेकिन वो इनफ नहीं होंगे अगर सामने टीम्स आएंगी। वाइल्ड मार्टिन को वहां पर डाउन किया है ऑरेंज रॉक के स्काउट ने, लेकिन ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन यहां पर JCZ के द्वारा होता, 8 किल्स इस टीम के पास, बट स्टिल वहां पे स्काउट एंड मावी ने अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाली, बट यहां पे आपकी स्क्रीन में सेल्स का स्क्वाड थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज जोन भी यहां पे आ रहा है, बट ऊपर से यहां पे टीम नंबर 18 वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ भी करके क्वालिफाइड अपने लिए निकाल, बट यहां पे जो स्मोक था वो भी फेड आउट हो चुका है, उसके चलते आता है कि पूरे फिनिश होगा, बट यहां पे रॉक्स को स्पॉट नहीं करा, उन्होंने जो नॉक प्लेयर थे उनको स्पॉट किया, बट रॉक्स भी अब यहां पे फिनिश हो गया, उसके चलते टीम सेल्स एलिमिनेट होगी टॉप 5 में, बट अब यहां पे कंपाउंड फाइट जरूर आएगी, बट ये कि नहीं मार्टिन आगे की तरफ को मूव करे, किंग ऑफ गेमर्स के साथ इनकी पहली फाइट हो सकती है। हाइनेकन पीछे के एरिया पर है, गॉडलेस को फिनिश कर दिया, वो जुआन ने अपने लिए किल निकाल लिया, लेकिन हाइनेकन को वहां पर डाउन की जगह, तीन टीमें बचती है हमारे पास। किंग ऑफ गेमर्स, वॉल्डस द मर्डरर, जो इनके इनसे पहले गलतियों थी उन गलतियों को अब वॉल्डस इन कितना करीब आ चुके ब्रागा के, बहुत ज्यादा करीब है, इट्स जस्ट अगर कोई एक नॉक मिलता है सीधा घुसने का ट्राई करेगी ये टीम, लेकिन M249 है यहां पर, M249 और ऊपर से FPP मोड, आपको क्लियरली प्लेयर्स दिखते हैं जब यहां से वॉल्ट इन करेगा, एक एक पिक्सल आपको देखेगा, बट उसके चलते यहां पे जो यू लेवल अप के प्लेयर्स है वो यहां पे हील बैटल पे जाएंगे, एंड यस आई वाज राइट, बट एक चीज यहां पे क्या उनके पास नहीं सफिशिएंटली, वो बहुत ज्यादा लेट वहां पे शुरू कर रहे थे, उनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गलत थी, बट यहां पे अब 3 vs 3 की फाइट आते हुए प्री फायर यहां पे मार्टिन देते हुए, एंड ये फाइट 8वें सर्कल के क्या ये हील बैटल पे जाएगा, बट कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर 3 प्लेयर है, कंपाउंड के बाहर 3 प्लेयर है, अब ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल होगी क्या VL के प्लेयर के, क्या किंग ऑफ गेमर के प्लेयर के, बट ये फाइट अब देखते हैं। मार्टिन यहां पे प्री फायर देते हुए अंदर आ चुके हैं, यहां पे पफर को अच्छा खासा नॉक डाउन करने की कोशिश जरूर करी थी, 30-40% HP के लिए यहां पे, एंड वापस से उजी यहां पे चलाई गई है, बट यहां पे 2 प्लेयर नॉक डाउन है किंग ऑफ गेमर के। M249 क्या है यहां पे, एक डिफेंडिंग यहां पे एक वेपन रहेगा, बट यहां पे एक क्वेश्चन जरूर है, बट 1 HP यहां पे जरूर बचे, ब्रागा यहां पे वेट कर रहे हैं, बट बाहर से एक फायर आएगा, वो फायर निकाल के जाएगा, एक विनर विनर चिकन डिनर।